जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है और आयोग के द्वारा आप लोग का ऑफिशियल नोटिस नया जारी कर भी दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जो आप लोग की पहले वैकेंसी थी आरआरबी टेक्नीशियन की, वो हमारे प्यारे साथियों मात्र 9000 कुछ सीटों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब आयोग के द्वारा जब ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया तो उसके बाद आप लोग का टोटल जो सीटों की संख्या है 14000 कुछ देखने को मिल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग को अच्छे से मालूम है कि बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर हम लोग को सीटों की जो संख्या है ना वो बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रही है। मान लीजिए किसी किसी जोन में 150 सीटें थी तो वहां पर 300 कर दिया गया है, कहीं पर भी 300 सीट था तो वहीं पर 300 का एकदम 300 ही रखा गया है, एकदम एक भी सीट को नहीं बढ़ाया गया है। तो हम लोग नए डाटा के हिसाब से समझने वाले हैं कि आप लोगों के लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए नया जो डाटा है ना, इस डाटे से बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो ये डाटा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आयोग आप लोगों को 15 दिनों का ऑफिशियल टाइम ही देने वाला है जो है आप लोग को अपने फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए, तो आप लोग के पास बहुत ही जल्द लिंक भी ओपन होगा। तो आप लोग समझ लीजिए किस हिसाब से आप लोग को जो है करेक्शन करना है, कहां पर आप लोग को जोन को चेंज करना है, कहां पर नहीं करना है। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसमें मिल जाएंगी दोस्तों। जो हम आप लोग के लिए डाटा बनाए हुए हैं, सबसे पहले हम आप लोग को दोस्तों डाटा दिखलाना चाहेंगे। तो देखिए अभी का जो ये जो सेशन है दोस्तों, ये मशीनिस्ट के लिए स्पेशल होने वाला है, मशीनिस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने मशीनिस्ट का भी आप लोग के लिए डाटा टोटल यहाँ पर अरेंज किया है। इससे पहले मैंने फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, और अगर बात कर ले फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, 10+2 हो गया, वेल्डर हो गया, उसके बाद भैया क्या बोलते हैं मैकेनिकल हो गया, मतलब कि सभी का बतला दिए, सभी लगभग ट्रेड का हम आप लोग को सेशन उपलब्ध करा दिए। सिर्फ मशीनिस्ट बचा हुआ था, तो मशीनिस्ट का भी हमें अभी हम आप लोग को सारा डिटेल समझा देंगे कि मशीनिस्ट का आप लोग को किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप लोग एससी कैटेगरी के हैं तो एससी कैटेगरी को कहाँ करना है, जनरल को कहाँ करना है, पूरा वीडियो तो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं, और बीच में जॉब की कुछ अपडेट भी चेंजेस वगैरह होती है तो सारे अपडेट आप लोग को देते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए हम लोग जो है इस डाटा को समझते हैं कि आखिर ये डाटा हम लोग को क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, इस डाटा में हम लोग आप लोग के लिए क्या मेंशन किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का टोटल सीटों का संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग का टॉप जोन लिखा हुआ है कि मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 497 मशीनिस्ट के लिए, उसके बाद 462 सीटों पर वैकेंसी है चेन्नई में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को टॉप जो है ना, ये जो ऊपर से हमने नीचे की तरफ अरेंज किया हुआ है, तो ये टोटल सीटों की संख्या को देखकर के फॉर्म को कभी भी नहीं अप्लाई करना है, दिमाग में बैठा लीजिए, टोटल सीटों की संख्या को देखकर के कभी भी नहीं हम लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है बतला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उससे पहले एक मिनट का बस आप लोग से छोटा सा हमारे प्यारे साथियों आप लोग से टाइम लेना चाहेंगे, आप लोग को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है दिखलाना चाहेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बतला दे, देखिए बहुत सारे भाइयों का हमारे पास मैसेज आता है कि भैया हमें जो है टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कोई नोट्स दे दीजिए। तो दोस्त आप लोग को बताना चाहेंगे, देखिए ये आप लोग के लिए नोट्स मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये जो है दोस्तों बेसिक साइंस आप लोग का ग्रेड वन में पूछता है, ठीक है, ग्रेड वन में पूछता है, ये आप लोग का टोटल ग्रेड वन का टॉपिक है। यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेड थ्री में क्या पूछता है, तो यहीं पर बात कर ले तो जनरल साइंस पूछता है दोस्तों। क्या पूछता है, जनरल साइंस पूछता है ग्रेड थ्री में, इंजीनियरिंग नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोग के टॉपिक से के हिसाब से जो है मैंने नोट्स अरेंज कर दिया है। फिर अगर बात कर ले तो ग्रेड वन में और क्या पूछेगा, तो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछता है। जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रेड वन का सैंपल दिखलाए, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को हम ग्रेड थ्री का भी सैंपल टोटल अरेंज कर दिए हैं। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए आप लोग के ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, या फिर आप लोग को इंडिया के किसी भी एग्जाम का नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों कॉन्टेक्ट करिएगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मैसेज आता है कि भैया आजकल जो है कोचिंग संस्था बहुत ज़्यादा पेमेंट ले रही है, प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें जो है कोई नोट्स ऐसा दे दीजिए ताकि हम लोग घर बैठे प्रिपरेशन कर सकें। तो आप लोग को अब टेंशन नहीं लेना है, कभी भी लाइफ में कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर जो है मैसेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर नोट करिए, 7870141238 नंबर को नोट करिए दोस्तों फटाफट, उसके बाद हम लोग जो है आप लोग का ट्रेड का टोटल डिटेल समझेंगे, ठीक है। और बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने जो है फिटर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 10+2 सभी का डिटेल आप लोग को बतला दिया, सिर्फ मशीनिस्ट छूटा हुआ था, तो मशीनिस्ट का भी हम आप लोग को अभी इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा नोट्स को लेने के लिए, ये सारा अभी हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। देखिए
किसी को भी नोट चाहिए ग्रेड वन का, ग्रेड थ्री का, एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, या फिर एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, इंडिया के किसी भी एग्जाम का, आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7870141238। व्हाट्सएप करके कॉल नहीं करना है, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉल नहीं करना, सीधे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को अपना कोर्स बतला देना है कि भैया हम जो है टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एएलपी का कर रहे हैं, आप लोग अपना कोर्स बतलाइए। और उसके बाद मात्र 70 रुपए आप लोग को पे करने होंगे, उसके बाद आप लोग को टोटल नोट्स दे दिया जाएगा। जब आप लोग कोर्स बताइएगा तब आप लोग को यहाँ पर सैंपल सबसे पहले दिया जाएगा, आप लोग अपने सैंपल को देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग पेमेंट करिएगा, पहले पेमेंट मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 70 रुपए पेमेंट करिएगा किसी भी एग्जाम के लिए तो आप लोग को नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं मशीनिस्ट के लिए, देखते हैं कि मशीनिस्ट ट्रेड के लिए कौन सा जो है सेफ जोन रहेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी का, फिर बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी का सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मशीनिस्ट के लिए, तो बतलाना चाहेंगे कि मुंबई और चेन्नई ये दो जोन को हम लोग को छांट देना है। क्योंकि बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग टेक्नीशियन की वैकेंसी देखिएगा ना, तो पोस्ट को इंक्रीज करने के बाद मुंबई और चेन्नई में सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये दो जोन ऐसा है कि सभी बच्चों के माइंड पर जो है टारगेट है कि यही दो जोन पर फॉर्म को अप्लाई करना है और हमें जॉब ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी है। तो ये टारगेट को हम लोग को क्या करना है, एकदम छोड़ देना है। कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, बिलासपुर करिए 112 वैकेंसी है, अजमेर 106 वैकेंसी है करिए, पटना मत करिएगा दोस्तों, बिहार का कट ऑफ आप लोग को भी मालूम है बहुत हाई जाता है, कोलकाता करिए, भोपाल भुने उसके बाद गुवाहाटी करिए दोस्तों, जम्मू श्रीनगर और सिकंदराबाद, इन सब जगहों पर आप लोग जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारा इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप लोग मत अप्लाई करिए भैया, अपने हिसाब से अप्लाई करिए, मगर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम सोच रहे हैं, वो आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए कहाँ पर सेफ जोन रहने वाला है। अगर आप लोग पढ़ने में महारथी हैं भैया तो कहीं पर भी फॉर्म को अप्लाई करिए, आप लोग कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं, मगर जो भी मीडियम कैंडिडेट्स हैं वो लोग को जहां बतला रहे हैं वहीं पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के हिसाब से कभी भी एससी एसटी का जो है कट ऑफ लो ही देखने को मिलता है, तो आप लोग जो है कोशिश कर सकते हैं मुंबई चेन्नई में भी, मगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर छोड़ देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, और इसे करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई चेन्नई बिलासपुर अजमेर उसके बाद कोलकाता, यही आप लोग के लिए कुछ जो है टॉप में अच्छी खासी जो है जोन देखने को मिल रही है। पटना में कभी भी आप लोग का कट ऑफ हाई जाएगा दोस्तों। एसटी की बात कर ले तो मुंबई चेन्नई बिलासपुर अजमेर और कोलकाता, इन जगहों पर करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी कैटेगरी मुंबई चेन्नई, ठीक है, उसके बाद बिलासपुर अजमेर, उसके बाद बात कर ले कोलकाता और गुवाहाटी, इन सब जगहों पर अप्लाई करिए, ज्यादा आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। पटना में चाहे तो कर सकते हैं, मगर ध्यान में रखिएगा भैया 57 सीट जो है सिर्फ देखने के लिए है, यहाँ पर फाइट जब बढ़ जाएगा ना तब ये 57 सीट आप लोग का कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पटना में जो है हाई कट ऑफ जाएगा, फिक्स है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो मुंबई चेन्नई बिलासपुर अजमेर और फिर यहाँ पर बात कर ले तो कोलकाता में आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया सिर्फ जनरल के लिए मुंबई चेन्नई को छाटते हैं, ठीक है, तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो है ना कॉम्पिटिशन हाई जनरल का ही जाता है, तो जनरल को थोड़ा सा रिस्क जो है यहाँ पर कम लेना है, ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी है, आप लोग इन दो जोनों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर करिए, ठीक रहेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग को नोट चाहिए मशीनिस्ट का तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर लीजिएगा 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो अच्छी लगी होंगी, तो एक बार निवेदन करेंगे जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए विजिट किए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी एग्जाम का क्यूरी है तो कॉमेंट करिएगा, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।